3:15 पे ऑलरेडी सनराइज हो चुका है भाई अभी, तो अब चलता हूँ यहाँ पे एक टेंट लगाता हूँ। रात को थोड़ी मोड़ी बारिश हो रही थी और काफी तेज हवा चल रही थी, ये मेरे टेंट मेरा इधर आ रहा था, बाकी कोई दिक्कत नहीं हुई, सब कुछ सोई तो सोया, कुछ जगाने मुझे नहीं आया। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग, एक वापस से नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। फिलहाल इस वक्त मैं हूँ तेरी बेरका में। आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मुझे लिफ्ट मिल गई है और मैं तेरी बेरका पहुँच गया। तेरी बेरका चलने के बाद मुझे अराउंड 2 किलोमीटर चलना पड़ा, तो मुझे एक ठीक ठाक सी स्पॉट मिली जहाँ पे मैं कैंपिंग कर सकूँ। हालांकि ऊपर भी अच्छा खासा कैंपिंग स्पॉट है, बट एक्चुअली मैं कैंपिंग यहाँ कर रहा हूँ। मेरे लगता है मुझे अच्छी खासी घास मिल गई है और ये है आर्कटिक सी। काफ़ी शानदार व्यू है भाई यहाँ से। हालांकि अभी जो समय हो रहा है भाई, मैंने इसे कहा था कि सनराइज़ वो जल्दी हो जाएगा तो हो गया, 3:15 पर ऑलरेडी सनराइज़ हो चुका है भाई अभी। तो अब चलता हूँ यहाँ पे एक टेंट लगाता हूँ और आज यहीं सो जाता हूँ, बाकी आगे वीडियो कंटिन्यू करेंगे जब मैं सो के उठूँगा। हो गुड मॉर्निंग बोलो, गुड नाइट बोलो, जो बोलना है बोलो। अब से मिलता हूँ सो के उठने के बाद। अभी खंबा लगाया जाएगा अपना, खंबा मैं आपको सो के उठने के बाद ही दिखाऊंगा। तो भाई मैंने टेंट लगा दिया, क्या शानदार व्यू के साथ ये टेंट है मेरा। हालांकि काफ़ी हवा चल रही है, अभी बहुत ही ज़्यादा हवा चल रही है। चलो मैं ऐसे बात करता हूँ आपसे अपने टेंट में घुस के। हवा चल रही थी बहुत ज़्यादा, टेंट लगाने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। मेरे पास जो टेंट में जो उसको ज़मीन के अंदर लगाने वाला होता है वो नहीं था मेरे पास, तो इसलिए प्रॉब्लम हो रही थी। आई होप रात को कुछ ना हो, रात मतलब सुबह कुछ ना हो। काफ़ी अच्छी लाइट आ रही है, काफ़ी अच्छा सनराइज़ हो रहा है एक्चुअली मेरे सामने। सनराइज़ तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा, मुझे काफ़ी जोरों से नींद आ रही है। तो मैं आपको बता दूँगा मेरे पास कैंपिंग के लिए मैंने क्या क्या मेरे पास है इस ट्रिप में। आगे आपको कैंपिंग जब करूँगा और ज़्यादा, क्योंकि अभी तो स्टार्ट ही है कैंपिंग की, तो पहला कैंपिंग है वाइल्ड कैंपिंग, जहाँ भी जगह मिल जाए जाकर सो जाओ। ये रहा जूता, मैंने खोल दिया, जूता को भी अंदर रख लेता हूँ यहाँ पे साइड में। ये मेरा जूता हो गया, ये मेरा बड़ा वाला बैग, छोटा वाला बैग, ये मेरा तकिया। एक्चुअली मैं तकिया भी इस बार कैरी कर रहा हूँ, एक तकिया है ये, कि मुझे तकिया की बहुत ज़्यादा आदत हो गई थी, तो चलो तकिया क्यों नहीं कैरी कर लिया जाए। हालांकि ये काफ़ी छोटा हो जाता है, इसलिए करके बहुत छोटा हो जाता है, लेकिन अच्छा तकिया ये। साथ में ये स्लीपिंग बैग है और ये स्लीपिंग मैट, ये अपने आप खुल जाता है। तो ये है मेरे पास कैंपिंग गियर में फ़िलहाल, और ये टेंट हो गया। चलो सोते हैं, थोड़ा मैं अभी यहाँ पे एंजॉय करूँगा। आकाश मेरे पास गैस वगैरह तो है, लेकिन मेरे पास जो गैस है वो नहीं है, मेरे पास चूल्हा तो है लेकिन गैस नहीं है, वरना मैं अभी कुछ खाना बना के खाता फिर सोता। चलो अभी, क्योंकि फ़्लाइट में अलाउ नहीं होता ना वो, तो अभी तक मैंने ख़रीदा नहीं था। चलो अब ख़रीदता हूँ जब मैं कम छत के लिए निकल रहूँगा। गुड नाइट फाइनली, सब कुछ दिखाने के बाद। तो गाइज गुड मॉर्निंग, सुबह हो गया अराउंड 1 बज रहे हैं। गुड मॉर्निंग क्या बोलूँ, गुड नून बोल लेता हूँ। 1 बजे सो के उठा हूँ मैं अभी, जस्ट बाहर निकला, क्या मस्त व्यू निकला है भाई यहाँ से। रात को थोड़ी मोड़ी बारिश हो रही थी और काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी, तो ये मेरा टेंट मेरा इधर आ रहा था, बाकी कोई दिक्कत नहीं हुई, सब कुछ सोई से सोया, कुछ जगाने मुझे नहीं आया। और ऑलमोस्ट मैंने 9 घंटे की नींद ले ली, 9 घंटे सो गया आराम से, थक गया था काफ़ी कच जाए करते करते, तो 9 घंटे आराम से सो गया। कंफर्टेबल नींद ही रही इस स्लीपिंग बैग के कारण, स्लीपिंग बैग बहुत अच्छा ब्लिस बैग था ये, तो ठीक ठाक नींद आई। रात को ठंडी भी नहीं लग रही थी, नहीं गर्मी लग रही थी, परफेक्ट टेम्परेचर था अंदर। और ये अभी व्यू है, वापस से दिखा दूँ आपको, सुबह से तो दिखाया था लेकिन अभी भी दिखा देता हूँ, ऐसा व्यू दिख रहा है अभी। ये आर्कटिक सी, अब जाके देखता हूँ कहीं जगह मिले तो इसमें एक डुबकी ले आ जाए, डुबकी इम्पोर्टेंट है भाई, डुबकी इम्पोर्टेंट है। चलो अब निकलते हैं धीरे-धीरे यहाँ से, थोड़ा सा दर्द कर रहा है, कोई नहीं चलो चलते हैं। अब टेंट को बैग में डाल के निकल पड़ा हूँ अपने अब रास्ते। ये था भाई आर्कटिक सर्कल में कैंपिंग, आर्कटिक सर्कल और आर्कटिक सी के पास कैंपिंग ये है। क्या मस्त नज़ारा दिख रहा है यहाँ से, ऑलरेडी दिखा चुका हूँ मैं, बट काफ़ी साफ पानी है, ब्लू पानी। और मैं निकल रहा हूँ, एक यहाँ पे कुछ ग्रेवयार्ड ऑफ सिफ वगैरह है, बट वहाँ जाने से पहले मुझे दो तीन चीज़ों के बारे में पता लगाना है। पहला पता ये लगाना है कि यहाँ से बस चलती है मुरमंस की लेके, नहीं
और ये लास्ट बस कितने बजे मुरमंस के लिए, क्योंकि अगर बस मिल जाए तो भाई सही रहेगा, मुरमंस जाकर थोड़ी मेरी पैकिंग कर लूँगा। कल सुबह 10 बजे मेरी फ़्लाइट है और अभी ऑलरेडी 2 बजने वाला होगा मेरे हिसाब से। तो चाहे अगर 6-7 बजे स्टार्ट करता हूँ, अगर खुदा ना खास्ता अगर मैं नहीं पहुँच पाया रात तक, तो फिर मेरी फ़्लाइट छूट सकती है, इसलिए तो जाने का इंतजाम लगाना पड़ेगा। बस अगर तो बस लेके चले जाऊँगा मैं, वरना हिचैक तो करना ही है। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होने वाली है, फिर भी ये सेफ साइड कि फ़्लाइट बड़ी महंगी है और उसको मैं मिस करना नहीं चाहता। सस्ती फ्लाइट रहती तो सोचता भी चलो हिचैक कर लेते हैं, जगह देखा जाएगा, बट फ्लाइट बहुत महंगी है। ये है भाई, चलो क्या शानदार माउंटेंस है इधर, काफ़ी टूरिस्टी प्लेस है ये, लेकिन मैंने इतना तक टूरिस्ट तो देखा नहीं, मैं कैंपिंग कर रहा था। हालांकि यहाँ पे लोग टूरिस्ट थोड़े थोड़े मोड़े आते हैं, मतलब डोमेस्टिक टूरिस्ट ज़्यादा हैं इंटरनेशनल टूरिस्ट के अलावे। चलते हैं अब। तो गाइस जैसे ही बाहर निकला, एक मैगज़ीन था, मैगज़ीन के पास आ गया और चाय पी रहा हूँ। चाय एक्चुअली क्या हुआ कि मैंने से गर्म पानी मांगा और मेरे पास जो चाय लेके चलता था, मैं 3-in-1 चाय लेके चलता हूँ, मैं दूध चीनी से मिला रहता है, मिला दिया, अच्छा लगता है एकदम, ऑलमोस्ट सेम टेस्ट आ जाता है इंडियन चाय की। भारत से दूर रहना इतना आसान नहीं होता, खास करके भारतीय खाने से। भारत से दूर तो मैं रह जाऊँ, बट इंडिया खाने से दूर रहना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। मेरा इंडियन खाना मेरे लिए काइंड ऑफ ड्रग है। 3-4 दिन अगर मैं नहीं खाऊं तो फिर मुझे मतलब बेचैनी लगता है कि मुझे खाना है भाई, इंडियन खाना खाना है, मुझे खाना खाना है, मतलब कुछ मसालेदार खाना है, कुछ चिकन मसाला खाना है, या तो फिर कुछ पालक पनीर खाना है, मतलब ऐसा मन करने लगता है 3-4 दिनों के बाद ही। इतना आसान नहीं होता भाई, कभी कभी मुझे लगता है यार खाना मिल जाए बस, कुछ मिले या ना मिले। भारत की याद तो आती है, बहुत चीज़ें याद आती है, लेकिन खाना टॉप प्रायोरिटी है भाई। उसके बाद फैमिली वगैरह तो है ही, लेकिन खाना भाई मेरे लिए टॉप प्रायोरिटी है, खाना के बिना नहीं हो पाता है यार। ब्रेकफास्ट, ब्रंच, लंच, कुछ भी बोलो, उसके लिए मैं खा रहा हूँ एप्पल, 1 apple a day। क्या है ना, कीप द डॉक्टर्स अवे, समथिंग लाइक दिस। एप्पल खा रहा हूँ, यही खाने के लिए मेरे पास अभी है। हालांकि आसपास कुछ कुछ रेस्टोरेंट है, वहाँ जाके कुछ खाना खाऊंगा, बट अभी पहले एप्पल खा लेता हूँ इसी मैगज़ीन में। हालांकि रात को जहाँ मैं रह रहा था, वो एक यहाँ पे लड़की थी, उसने बताया कि आप तो रिस्ट्रिक्टेड जोन में रह रहे थे। देखो यहाँ पर लिख रखा है इन्होंने कि जाना अलाउड नहीं है, बट मैं चला गया तो मुझे पता भी नहीं था कि क्या है। नहीं, ये होता है भाई फॉरनर्स का फ़ायदा कि आपको पता भी नहीं होता कि आप कहाँ जा रहे हो, आप चले जाते हो और लोगों को पता भी नहीं चलता, अच्छा फॉरनर आपको जाने भी देते हैं। तो कुछ ऐसा मेरे साथ हुआ था, मुझे जाने दिया आराम से, कोई दिक्कत नहीं हुई। रात को मैं जाके सो गया वहाँ पे माउंटेंस के ऊपर और सी के पास, हालांकि अलाउड नहीं था। चलो कोई बात नहीं, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। अभी समय हो रहा है भाई ऑलमोस्ट 2:30 बज गए, 3 बजने के आसपास आने वाला होगा। वो मेरा फ़ोन तो वहीं छूट गया, मैं कोई दिक्कत नहीं यार फ़ोन से छोड़ देता हूँ मैं, फ़ोन छोड़ने की आदत मेरी बहुत पुरानी आदत है, और अगर फ़ोन छूट जाए तो भाई प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे मेरा फ़ोन पड़ा हुआ है, देखो फोन पड़ा हुआ है, वहाँ पे छोड़ रखा है मैंने अपना फ़ोन, देखो यहाँ पे छोटा सा मैगज़ीन है, मैंने ये पानी लिया, ये दो नंबर छोटा छोटा बैग है। चलो फाइन करते हैं कि कुछ मिल जाए जाने के लिए मुझे मुरमंस के लिए, क्योंकि मेरी कल सुबह फ़्लाइट है। तो गाइस यहाँ के मैं इकलौते रेस्टोरेंट में आ गया हूँ, इकलौता रेस्टोरेंट है साथ जितना मुझे पता है, कुछ सब कुछ रशियन में है भाई, कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या। रशियन ठीक ठाक पढ़ूंगा, बट ऐसा थोड़ी कि मैं सब कुछ पढ़ के समझ जाऊँ, सब कुछ रशियन में है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या है। और एक भाई साहब से बात हुई 6:40 की है, लेकिन 7,000 रूबल मांग रहे हैं $100 के आसपास। यार बड़े पैसे खर्चे हो रहे हैं रशिया में मेरे तो। मैं टैक्सी वाले भाई साहब मांग रहे हैं 7,000 रूबल 2 घंटे की राइड के लिए, बताओ कुछ ज़्यादा नहीं है। हिचैकी करना पड़ेगा अब। एक्चुअली क्या है, यहाँ पे एक मुझे टूर देने का प्लान था, यहाँ पे एक टूर चलता है आपको और डीप सी में लेके जाएंगे, बट भाई क्या करूँ समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूज हो गया बहुत ज़्यादा यार। मैं एक काम करता हूँ, मैं हिचैक करता हूँ रात के 10 बजे तक, अगर कोई लिफ्ट ना मिली तो फिर मैं लेके चले जाऊँगा ये 7,000, क्योंकि टैक्सी भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई कल की फिर फ्लाइट मिस नहीं होनी चाहिए। हालांकि मेरे पास काफ़ी समय है, बट हिचैकिंग ना काफ़ी अनसर्टेन होता है, आपको पता नहीं होता कि कब पहुंचोगे नहीं पहुंचोगे। कल सुबह 10 बजे की फ्लाइट है मेरी, अगर आज रात को 10 बजे हिचैक करना स्टार्ट करता हूँ, 12 घंटे की जर्नी है, 12 घंटे का जगह है, अगर 4-5 घंटे में पहुंच गए तो काफ़ी हो जाएगा मेरे लिए। हालांकि मुझे नहीं लगता कि मैं पहुंचने वाला हूं, पता नहीं डर सा लग रहा है यार कि लूँ, क्योंकि बहुत महंगी फ़्लाइट है और मैंने बड़ी मेहनत से इस फ़्लाइट को बुक की थी। ये फ़्लाइट जनरली जो मुझे नॉर्मली जो पड़ती है लोगों को, वो अराउंड 1 लाख के आसपास की फ़्लाइट थी, 1 लाख रुपये के आसपास की फ़्लाइट थी, बट मैंने इसे ले लिया था अराउंड 20-22 हज़ार रुपये में, मतलब मैंने अलग अलग साइट यूज करके एकदम एग्जैक्ट मोमेंट पर ले लिया था। तो अब थोड़ा सा डर लग रहा है क्या करूँ यार, बहुत सारा डर तो लग रहा है कि
ये 7,000 रुपये अभी इंपॉर्टेंट हैं, या फिर अगर वो फ्लाइट छूट गई तो फिर मेरे 1,00,000 रुपये मतलब फिर कामछात्का छोड़ी कामछात्का का फिर ट्रिप के लिए पैसे नहीं रहेंगे, कामछात्का फिर ट्रिप छोड़ना ही पड़ जाएगा मुझे। तो ये 7,000 रुपये कितने इंपॉर्टेंट होगा मुझे सोचना पड़ेगा। सोच रहा हूँ मैं ये 7,000 रुपये लगाऊँ या नहीं लगाऊँ, लगाऊँ या नहीं लगाऊँ, कि हिजाई करने का प्लान तो कर रहा है लेकिन हिजाइकिंग हो जाएगा, दिल तो कह रहा है हो जाएगा बट दिमाग कह रहा है अगर नहीं हुआ तो फ्लाइट गया, क्योंकि हिजाइकिंग कन्फर्म नहीं होता कि आप कब पहुँचेंगे ना। और ये खाना मैं समझ नहीं आ रहा कि क्या खाना खाऊँ, सारे जगह से कन्फ्यूज़न है भाई। तो भाई अंत भला सब भला हो गया, सब कुछ फाइनली डिसाइड हो गया। पहली बात की जो जो लोगों से मैं मिला उन्होंने कहा ठीक है आप मेरे साथ आ जाओ, मैं आपको मतलब और डीप सी में चलेंगे 2 घंटे के लिए अभी, तो 2 घंटे के लिए वो अगली वीडियो में आप देखोगे कि 2 घंटे वाली सी की जर्नी मेरी कैसी रहती है यहाँ पर। और दूसरी बात मेरा टैक्सी का इंतजाम हो गया, हालांकि मैंने निगोशिएट किया, भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहे हो आप, 5-7 हज़ार रुपये ये तो कुछ ज़्यादा हो गया भाई 2 घंटे रास्ते के लिए। मैंने कहा भाई मैक्सिमम दूंगा मैं 1,500 रुपये, मैंने कहा भाई वो बोलने का 1,500 में नहीं होगा। मतलब देखो इंडियन नेगोशिएशन, देखो इंडिया के बंदे रशिया में आके नेगोशिएट कर रहे हैं, 7,000 उन्होंने बोला था, अगर कोई रशियन रहता तो उसके 7,000 दे देता, अगर ब्रिटेन रहता भाई यहाँ मेरे जगह तो 7,000 रुपये दे देता, क्योंकि उसको उनके नेगोशिएट करने बिल्कुल भी नहीं आता। मैंने कहा भाई देखो कुछ ज़्यादा है ये, 1,500 दूंगा मैं मैक्सिमम, तो उन्होंने कहा नहीं 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 ठीक है चलो 2,000 रुपये दे देता हूँ। तो 2,000 रुपये में मैं जा रहा हूँ टैक्सी लेके, कन्फर्म हो गया मैं जा रहा हूँ मुरमंस, क्योंकि दिल को चैन मिले यार कि मुरमंस, क्योंकि मुर्गा पहुँचना बहुत जरूरी था मेरे लिए, फ़्लाइट थी ना भाई मेरी बहुत अच्छी फ्लाइट थी वो। तो या यही था भाई हमारा। और एक बात जो मुझे बिल्कुल ख़राब लगा मैं आपको बताना चाहता हूँ, बिल्कुल ख़राब लगा, आई हेट दिस थिंग, मतलब ये जियो पॉलिटिक्स को मैं काफ़ी हेट करता हूँ, और इस जियो पॉलिटिक्स चक्कर में मैं एक नॉर्मल सा ट्रैवलर फंस जाता हूँ। वो यहीं पर हुआ कि बहुत सारी जगह में आपको यहाँ पर रहने को दिया नहीं जाएगा। मैंने पूछा कि क्या अगर मुझे यहाँ पर रहना, क्योंकि कल सुबह 6 बजे बस थी, क्योंकि क्या अगर मुझे सुबह यहाँ रहना है तो क्या मैं रह सकता हूँ, बोलती है रहना पड़ेगा लेकिन आपको देना पड़ेगा PCR टेस्ट। तो मुरमंस एरिया में आप किसी होटल में, आपको किसी होटल में रहना है या हॉस्टल में रहना है तो आपको PCR टेस्ट देना पड़ेगा। हालांकि मुरमंस में उससे उन्होंने से PCR टेस्ट नहीं मांगा था हॉस्टल में, बट यहाँ पे वो PCR मांग रहे थे, कहा PCR तो नहीं मेरे पास, मेरे पास कोविड का वैक्सीन है, मैं फुली वैक्सीनेटेड हूँ, फाइजर वैक्सीन मेरे पास है। बोलते हैं फाइजर काम नहीं करेगा यहाँ पे, एस्ट्राजेनेका का काम करेगा या तो फिर स्पुतनिक काम करेगा। मैंने कहा यार ये कोई बात थोड़ी हुई, फाइजर वैक्सीन WHO अप्रूव्ड है तो काम करना चाहिए भाई। बोलता है नहीं फाइजर काम नहीं करेगा यार, फाइजर वैक्सीन मेरे हिसाब से जो फाइजर जो US का वैक्सीन है, तो ऑफ कोर्स रशिया है तो रशिया US में पता ये क्या है बताना जरूरी थोड़ी, ये तो उन्होंने कहा नहीं फाइजर वैक्सीन यहाँ पे काम नहीं करेगा। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड में फाइजर वैक्सीन लिया जा रहा है, ऑफ कोर्स बहुत सारे कंट्री में जॉर्जिया हो गया या तो फिर पूरा यूरोप हो गया, तो वहाँ पे सारे फाइजर वैक्सीन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट रशिया में नहीं भाई, रशिया में नहीं करेंगे, हो सके बेलारूस में भी नहीं करेंगे फाइजर वैक्सीन को एक्सेप्ट। कोई बात नहीं, तो अब क्या थोड़ी कि मैं सारे वैक्सीन लगवाते चलूँ, हाँ फाइजर भी लगवा लूँ फिर सिनोफार्म भी लगवा लूँ फिर ये भी लगवा लूँ वो भी लगवा लूँ, ऐसा थोड़ी करना है। वेल ठीक है, अभी जो मेरा लोग वेट कर रहे हैं, इज इट माइन, इज माय नंबर द नंबर ऑफ द टैक्सी का, यस एंड योर बोट इज रेडी, योर फ्राइज इज रेडी, ओके सो यू कैन टेक फ्राइज एंड गो टू द बीच, ओके थैंक यू वेरी मच। स्पेशली बोल सर कि मैं जा रहा हूँ बोट टूर पे, तो ये भाई साहब हमें पेरेंट्स ही कहते हैं, मुझे लग रहा था ये आर्टिक सी है, अब मुझे थोड़ा करेक्ट करना, ये बैरेंट सी आर्टिक सी सेम होता है या डिफरेंट होता है, क्योंकि आर्टिक सर्कल के ऊपर तो इसको आर्टिक सी कहना चाहिए मेरे हिसाब से, बट इसे मैंने पूछा तो उन्होंने कहा ये बैरेंट सी है, PARENTSEA, ये बैरेंट सी में हम लोग अभी टूर कर रहे हैं कहीं ना, और मैं 2 लोगों के साथ हूँ, 2 महिलाओं के साथ हूँ मैं, और ऐसा कुछ दिख रहा है भाई क्या मस्त दिख रहा है ये भाई साहब, 3 लोग जा रहे हैं हम लोग, मैं कहीं इधर इधर ही कैंपिंग कर रहा था, कुछ ऊपर लोग हैं और यहाँ पे थोड़ा सा वाटरफॉल चल रहा है अगर आपको दिख रहा हो तो। तो गाइज आ गया हूँ मैं बैरेंट सी के बीचों बीच और काफ़ी शानदार व्यू दिख रहा है यहाँ से, हालांकि ठंडी बढ़ती जा रही है जितना जितना मैं दूर जाता जा रहा हूँ। 2 घंटे की ये राइड है और अच्छा लग रहा है अभी, काफ़ी मस्त मस्त व्यू दिख रहा है यहाँ से, हालांकि यहाँ पे बताने लग गया कुछ है नहीं मुझे, बस यहाँ व्यू देखने के लिए आ रहे थे, हालांकि कुछ मछलियाँ मैंने देखा इस तरफ निकलते हुए, आई थिंक डॉल्फिन सी थी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, काफ़ी शानदार है लेकिन ठंड बहुत है भाई, हाथ को मैं बचा के रख रहा हूँ, हाथ काइंड ऑफ जम से रहे हैं, उसे दिखाना चाहता हूँ ऐसा कुछ व्यू दिख रहा है। पानी काफ़ी लेकिन ब्लू है भाई, ब्लू ब्लू पानी है यहाँ पे। Yeah.
मेरे सामने आपको जो घर दिख रहा है वो दिखाता हूँ, दिख नहीं रहा हूँ आपको अभी। ये है वाइट लाइट, नहीं वाइट लाइट गलत बोल रहा हूँ, ये है लाइट हाउस। क्या कन्फ्यूज हो गया हूँ वाइट लाइट और वाइट लाइट हाउस। तो ये है लाइट हाउस तरीबेरका का। लाइट हाउस आपको ये रशिया के हर एक इलाके में मिल जाएगा। ये वन ऑफ द लाइट हाउस है यहाँ का तरीबेरका का। अगर आप देख पा रहे हो तो पूरा माउंटेन के ऊपर खड़ा कर रखा है उन्होंने। तरीबेरका जो शहर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था वर्ल्ड वॉर टू के लिए भी, क्योंकि यहाँ पर मतलब बेस था रशिया और सोवियत का ही मान लो तुम, तो सोवियत का बेस था बोट्स वगैरह के लिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट शहर भी हुआ करता था एज अ बोटिंग के लिए, या तो फिर बोट चीज़ रखने के लिए, जहाज़ रखने के लिए, बड़े बड़े जहाज़ रखने के लिए। और उसमें से कि लाइट हाउस ये रहा, काफ़ी शानदार नज़ारा है। हालांकि हमने अभी काफ़ी डॉल्फिन देखी, मेरे साथ डॉल्फिन ही होगी, वो शार्क तो होना मुश्किल है, डॉल्फिन ही थी। और उधर से देखो भाई क्या बादल के अंदर से लाइटें आ रही है, बादल के टुकड़े टुकड़े क्या रिफ्लेक्शन आ रहा है सन के ऊपर। शानदार व्यू भाई, एकदम शानदार व्यू, शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद वाला व्यू है ये। ये हम लोग इसको देखते हुए जा रहे हैं, चलो देखते हुए चलते हैं। आई थिंक आधे घंटे का समय और रहा। हालांकि कुछ भाई साहब वहाँ पे देखो, वहाँ पे जाके कैंपिंग कर रहे थे, क्या लग रहा है उनके पास तो बड़ा बड़ा बैग दिख रहा है। यहाँ पर रशियन टूरिस्ट काफ़ी आते हैं, काफ़ी टूरिस्टिक प्लेस है एज पर रशियन, मतलब फॉरन उतने नहीं आते लेकिन हाँ रशियन टूरिस्ट काफ़ी आते हैं यहाँ पे। रशियन टूरिस्टिक के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट जगह है ये। वहाँ पे देखो तीन भाई साहब हैं, चार एक्चुअली, चार भाई साहब हैं वहाँ पे, आपको तो दिख नहीं रहा होगा। GoPro इतना जूम नहीं कर पाता ना, तो मैं अपनी आँखों से जूम करके बता रहा हूँ कि वहाँ पे चार लोग हैं। मेरी आँखों को आप भरोसा कर सकते हो, GoPro से अच्छी क्वालिटी है मेरी आँखों की।